गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज बेटा हम लोग इकोनॉमिक्स 12 का चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे जिसका नाम था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, तो इसमें बेटा हमने सबसे पहले जो स्टडी किया था वो क्या था, अबाउट नेशनल इनकम। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट शुड अर्न ओनली बाय द नॉर्मल रिटर्न्स। तो इसीलिए हम इसको ये भी कहते हैं कि नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें दो चीजें थी बेटा, पहला अर्न्ड इनकम होनी चाहिए। अर्न्ड इनकम मतलब फैक्टर इनकम, क्या फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करके इनकम कमाओ, राइट। जिसमें हमने आपको एग्जाम्पल दिए थे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अपना रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन सब के। दूसरा, इट शुड बी अर्न्ड ओनली बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी पर्सन, इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन विच इज लिविंग विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी फ्रॉम लास्ट वन ईयर और मोर देन वन ईयर। पहला पॉइंट ये है कि एक साल या उससे ज्यादा टाइम से वो वहां पे रह रहा हो। दूसरा पॉइंट जो इसमें बेटा है वो ये है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उस इंडिविजुअल का, ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में लाई करना चाहिए जिससे वो जिसमें वो रह रहा है, तभी उसकी उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आज हम उसी टॉपिक्स को आगे लेके चलेंगे, डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय। व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? डोमेस्टिक इनकम इज द टोटल इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो डोमेस्टिक इनकम इज अर्न्ड इनकम ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट इन्होंने दिया है वो है कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी राइट। अब यहां पे और नेशनल इनकम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा। नेशनल इनकम में इन्होंने ये नहीं कहा कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए, उन्होंने कहा बाय द नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। बट इन्होंने कहा है कि जो डोमेस्टिक इनकम है इट इज द टोटल इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि केवल नॉर्मल रेजिडेंट्स की होनी चाहिए, इन्होंने कहा कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे इंडिया की अब डोमेस्टिक इनकम निकालोगे तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी इनकम कमाई जाए इट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। अब यहां पर जितनी भी इनकम कमाई जाए डोमेस्टिक टेरिटरी में, वो दो तरीके के लोग कमा सकते हैं, रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स। तो जो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इनकम्स। यानी भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो हमारे देश के रेजिडेंट्स हो, नॉर्मल रेजिडेंट्स हो, या फिर नॉन रेजिडेंट्स हो, फॉरनर्स हो, उन्होंने हमारे देश में जो इनकम कमाई है उसका जो सम है, उसका जो टोटल है, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। बट आपका जो नेशनल कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम जो है, रिमेंबर दिस थिंग, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ओनली, राइट। तो फिर बता रहा हूं, डोमेस्टिक इनकम इज द टोटल इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, कि हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई है, हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी बेटा, ठीक है। और हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में, क्योंकि आज हम लोग ओपन इकोनॉमी में रह रहे हैं, हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट भी इनकम कमाएंगे और नॉन रेजिडेंट भी इनकम कमाएंगे, और दोनों की इनकम को मिलाकर डोमेस्टिक इनकम बनता है। बट जो नेशनल इनकम बनेगा इट इज द टोटल इनकम अर्न ओनली बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, राइट। तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी इन द इकोनॉमी। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का तो हमने समझा ना, अब बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। जैसे हम लोग एक नॉर्मल बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अलावा, तो जो हमारी टेरिटरी हम लोग मेजर करते हैं ऊपर जम्मू कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी, ठीक है, वो पॉलिटिकल टेरिटरी है बेटा।
बेटा हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी की हम लोग बात कर रहे हैं इट इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन योर पॉलिटिकल टेरिटरी राइट. डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ऑल दोज टेरिटरी जहां पे कि हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, जहां तक कि हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं ठीक है. जैसे कि हमारे देश के जो एयरक्राफ्ट हैं फॉरेन कंट्री में बेटा जहां तक ऑपरेट कर सकते हैं वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाता है. दूसरा जो पॉइंट है बेटा हमारे जो शिप्स हैं ठीक है वो जहां तक ऑपरेट कर सकते हैं फॉरेन टेरिटरी में ठीक है वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाता है जहां तक वो जा सकते हैं. तीसरा जहां तक हमारे देश के फिशरमैन इंटरनेशनल वाटर बॉडीज इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी में जहां तक फिशिंग कर सकते हैं वो सब हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाता है. और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा एम्बेसीज. एम्बेसीज में आपको समझना चाहिए देखिए इंडिया में बहुत सारी एम्बेसी सिचुएटेड है ठीक है दूसरे दूसरे देशों की. क्या हम लोग वहां पर फ्रीली जा सकते हैं मूव कर सकते हैं? नहीं राइट. तो वो हमारी टेरिटरी का हिस्सा नहीं माना जाता. यहां पे हम डोमेस्टिक टेरिटरी को इस तरीके भी समझ सकते हैं कि जहां पर इंडिविजुअल्स गुड्स या कैपिटल फ्रीली मूव कर सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो जहां तक हमारे पर्सन हमारे इंसान हमारे व्यक्ति हमारे देश के व्यक्ति हमारे देश के नागरिक हमारे देश की गुड्स और हमारे देश की कैपिटल मूव कर सकती है फ्रीली दैट इज इंक्लूड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. बात कर रहा था बेटा मैं एम्बेसीज की. इंडिया की फॉरेन कंट्रीज में जहां भी एम्बेसी सिचुएटेड है वहां पर हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं. तो दैट इज पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी. ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता बेटा. जैसे कि मान लीजिए इंडिया की एक एम्बेसी अमेरिका में सिचुएटेड है राइट. वहां पे अमेरिकन लोग कैन मूव फ्रीली उनको वहां पे परमिशन लेना पड़ता है. तो भले ही वो सिचुएटेड कहां है अमेरिका में है इट इज कंसिडर्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. इन द सेम मैनर अमेरिका की जो एम्बेसी इंडिया में सिचुएटेड है रिमेंबर दिस थिंग कि मैं क्या कह रहा हूं इंडिया की जो एम्बेसी सॉरी अमेरिका की जो एम्बेसी इंडिया में सिचुएटेड है राइट. वो देखिए तो लोकेटेड है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में बट हम लोग वहां पे फ्रीली मूव नहीं कर सकते. हमें अमेरिकन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. इसलिए वो अमेरिकन एम्बेसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी आइदर इट इज सिचुएटेड इन द इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी लोकेटेड इन द इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी बट एम्बेसी नेवर बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ दैट इकोनॉमिक टेरिटरी इन विच इट इज सिचुएटेड ठीक है. इट इज कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ दैट डोमेस्टिक टेरिटरी फॉर विच दैट एम्बेसी बिलोंग्स. के अगर भारत की जहां पर भी एम्बेसी एम्बेसी मतलब दूतावास सिचुएटेड है विदेशों में कहीं भी हो बेटा वो सब भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी. और इसी तरीके से दूसरे देशों की भारत में जो सिचुएटेड है लोकेटेड है जो एम्बेसी वो सब उन्हीं देश की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी जो जिस देश से वो बिलोंग करती है राइट. ये बात मैं इतनी देर से क्यों बता रहा हूं क्योंकि जब हमें बेटा नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम ठीक है. नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्न. पहली बात अर्न इनकम होनी चाहिए और किसकी होनी चाहिए बेटा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी. इंडिया की बात कर लेते हैं कि अगर इंडिया की नेशनल इनकम निकालनी है तो ये जरूरी है कि केवल इंडिया की नेशनल इनकम में इंडिया के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनकी जो अर्न इनकम है उसी को इंक्लूड करना है राइट. बट जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं जैसे मैंने अभी बताया अर्न इनकम ही होती है बट डोमेस्टिक इनकम में इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होता है. इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है बेटा कि इंडियन टेरिटरी में इंडियन से भी कमाया होगा और जो नॉन रेजिडेंट है फॉरनर्स है उन्होंने भी कमाया होगा. बट हमें डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है तो उसके लिए हमें चाहिए क्या बेटा केवल नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी राइट. इसलिए हम लोग जब नेशनल इनकम निकालते हैं
तो हमारी जो इक्वेशन बनती है ना, वो बनती है डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए प्लस एनएफआईए। एनएफआईए स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यहां बेटा नेट का मतलब क्या है, इट इज द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया अगर इंडिया की नेशनल इनकम निकालनी है फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ये मैंने लिख दिया नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर मैं बात कर रहा हूं इंडिया की अगर नेशनल इनकम निकालनी है माइनस फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, फैक्टर इनकम आर द फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। क्या मतलब है बेटा इसका, देखो जिस तरीके से बेटा मैंने पहले भी बताया कि आज के टाइम पे जितनी भी इकोनॉमी है बेटा सब ओपन इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि हमारे देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब वही है जो रह रहे हैं टेम्पररी विदेशों में, ठीक है, बट उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई करता है, इंडिया में करता है, वो लोग विदेशों में जाके आए कमाने। इन द सेम मैनर जो फॉरनर्स है, ठीक है, वो हमारे देश में आके इनकम कमा रहे हैं, बट वो फॉरनर्स क्यों है, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके अपने देश में, वो यहां से इनकम कमा के अपने देश में लेके जाएंगे। और इसी तरीके से जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो विदेशों में इनकम कमाएंगे और हमारे देश में लेकर आएंगे। तो हमें जब नेशनल इनकम निकालना है तो हमें नेशनल इनकम बेटा डोमेस्टिक इनकम से निकालना है। तो डोमेस्टिक इनकम मैंने पहले भी बताया ये सम है, इट इज द सम टोटल ऑफ अर्न इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में दो तरीके के लोग इनकम कमाते हैं बेटा, हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट साथ में फॉरनर्स, ठीक है, साथ में फॉरनर्स। बट जब आप नेशनल इनकम निकालोगे तो हमें केवल अपने देश के नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम इंक्लूड करनी है, इसलिए हमने इसमें एनएफआईए कर दिया। और एनएफआईए में हमने डिफरेंस निकाल लिया फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, कि हमारे देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट है, क्योंकि हमें अपने देश के नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम निकालनी है, इसी को मैं अगर और एक्सप्लोर कर दूं तो ये बन जाएगा डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, कि हमारे जो फैक्टर इनकम है उन्होंने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से यानी विदेशों से कितना कमाया, माइनस फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, कि हमारे देश में विदेशियों ने फैक्टर इनकम के रूप में कितना पैसा कमाया। इससे पहली बार वीडियो में बताया था मैंने फैक्टर इनकम इज आल्सो नोन एज अर्न इनकम। तो हमने क्या किया, डोमेस्टिक इनकम में से माइनस कर दिया वो इनकम जो विदेशी हमारे देश में कमा रहे थे, फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि वो पैसा उनके देश में जाएगा। और डोमेस्टिक इनकम में हमने एड कर दिया वो इनकम जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट विदेशों से कमा रहे, that is how we calculate national income from the domestic income, right? हालांकि बेटा ये सारी चीजें हम लोग आगे भी करेंगे। तो अब आगे जो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं, उनको पढ़ने से पहले हमें क्या करना है बेटा, मैं आपको तीन इक्वेशन समझाना चाह रहा हूँ और होप कि आपको वो समझ में आ जाएंगी। अगर आप लोगों को समझ में आ जाएंगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा चैप्टर कर पाओगे और नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत इजी तरीके से कर पाओगे, जिसका नाम है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो सबसे पहली जो इक्वेशन है बेटा दैट इज ग्रोस, ठीक है, ग्रोस को हिंदी में हम सकल लिखते हैं, मैं हिंदी नहीं बताया था, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जी, राइट। ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन,
नेट प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम बेटा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन, उसके दो नाम होते हैं इंग्लिश में, राइट है। सकल इज इक्वल टू शुद्ध, शुद्ध का दूसरा जो हिंदी वर्ड है बेटा वो निवल होता है, बहुत सारी बुक में निवल भी मिल जाएगा आपको, प्लस घिसावट या स्थाई अचल स्थिर पूंजी का उपयोग। हिंदी में इसके नाम थोड़े ज्यादा है, अगर हम भी देखें तो मतलब एक ही है, अचल कह लो स्थाई कह लो स्थिर, स्थिर पूंजी अचल पूंजी मतलब जो फिक्स्ड असेट्स है, राइट। इसी को अगर मुझे नेट निकालना है तो मैं नेट कैसे निकालता हूं बेटा, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन, और अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है तो बेटा बनेगा ग्रोस माइनस नेट, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। जैसे कि आप सबसे पहले देखते हो कि बेटा जीडीपी निकालना होता है हमें, या फिर एनडीपी निकालना है, या जीएनपी निकालना है, या फिर एनएनपी निकालना है, ठीक है। तो ग्रोस ये वाला ग्रोस, राइट, नेट ये वाला। अगर हमें ग्रोस निकालना है तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करना होता है, हमारे पास नेट होगा, और अगर हमें नेट निकालना है ग्रोस दे रखा है तो हमें माइनस डेप्रिसिएशन करना है, ठीक है बेटा। दूसरा जो हमारा इक्वेशन है, अभी मैं फिलहाल इक्वेशन ही बता रहा हूं कैसे यूज करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। सेकेंड जो इक्वेशन है बेटा दैट इज नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, प्लस एनएफआईए। हिंदी में नेशनल को हम बेटा राष्ट्रीय कहते हैं, डोमेस्टिक मतलब बेटा घरेलू, एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, शुद्ध साधन है, डिफरेंस होता है, शुद्ध का मतलब जहां भी होगा, नेट का मतलब जहां भी होगा डिफरेंस होगा, ठीक है। अब अगर मुझे डोमेस्टिक निकालना है इससे तो नेशनल दे, अगर मेरे को नेशनल निकालना है डोमेस्टिक दे रखा है तो एनएफआईए ऐड कर दूंगा, और मुझे अगर डोमेस्टिक निकालना है और नेशनल दे रखा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस एनएफआईए, और अगर मुझे एनएफआईए निकालना है बेटा तो मैं नेशनल माइनस डोमेस्टिक करूंगा, या फैक्टर इनकम जो मैंने अभी बताया था फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यानी विदेशों से प्राप्त साधनाएं माइनस फैक्ट्री इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, विदेशियों को दी गई साधनाएं, राइट। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, और जो बेटा थर्ड इक्वेशन है ये कहां पे यूज होगी, जैसे मान लीजिए हमें एनडीपी दे रखा है, एनएनपी बनाना है, राइट। तो देखिए यहां पे डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस है, अगर डोमेस्टिक दे रखा है तो प्लस एनएफआईए करोगे नेशनल आ जाएगा, और नेशनल दे रखा है डोमेस्टिक निकालना है तो माइनस एनएफआईए करोगे आपका डोमेस्टिक आ जाएगा, राइट। ये इक्वेशन इसलिए यूज होती है। थर्ड जो इक्वेशन है बेटा दैट इज अबाउट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कोस्ट, दैट इज अबाउट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कोस्ट। मार्केट प्राइस बेटा जो होता है दैट इज योर फैक्टर कोस्ट प्लस एनआईवी, बाजार कीमत साधन लागत
साधन को भी हम कारक नहीं करते हैं, उत्पादन के कारक या उत्पादन के साधन एक ही बात है, प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और अगर हमें बेटा फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस दे रखा है माइनस एनआईटी, और अगर हमें एनआईटी निकालना है तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, तो मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, या फिर अनुदान। राइट, ये बेटा हम लोग फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, इसको यूज करके बेटा आप कोई भी एग्रीगेट कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे हमें इसको यूज करना है बेटा, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।